जा रहा है। हमने देखा कैसे मंत्रोच्चारण के साथ बौद्ध सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था और उसे नेपाल को समर्पित किया गया। और ये जो नेपाल का दौरा है, आज के दिन आप देख सकते हैं भारतीय समुदाय के लोग उत्सुकता पूर्वक अभी अंदर उनका इंतजार करते हुए, प्रधानमंत्री हालांकि अभी बाहर हैं, और ये उत्सुकता, ये गर्मजोशी आप देख सकते हैं भारतीय झंडों को हाथ में उठाकर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए जो वहाँ के भारतवासी हैं वो मौजूद हैं। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर उनके स्वागत को स्वीकार करते हुए गर्मजोशी के साथ, और यही सहजता, सरलता, स्वाभाविकता है प्रधानमंत्री की जो उन्हें अलहदा विशिष्ट बनाती है अन्य राष्ट्र अध्यक्षों से। और जब भी वो जाते हैं तो भारतीय समुदाय के लोगों से खुलकर बात करते हैं, मन की बात करते हैं, जन की बात करते हैं। हर उम्र के जो लोग हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान।